नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीते 18 अक्टूबर को कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता कहकर भाजपा में शामिल होने वाली छिंदवाड़ा नगर पालिका की पूर्व पार्षद उषा राउत ने 3 दिन बाद ही पुनः कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सूत्रों के अनुसार उषा राउत ने कांग्रेस के कद्दावर नेता दीपक सक्सेना के रौनकला स्थित आवास पर पुनः कांग्रेस की सदस्यता ली। जिला हॉस्पिटल में नगर निगम कमिश्नर इक्षित गढ़पाले ने आज अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान निगम कमिश्नर अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर नाराज दिखे। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों को फटकार भी लगाई, वहीं उन्होंने पार्किंग को लेकर भी नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल वाहन चालकों को ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। निगम आयुक्त इक्षित गढ़पाले ने निगम अमले की समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने बैठक में लापरवाही करने वाले इंजीनियरों को फटकार भी लगाई। वहीं निगम आयुक्त ने वसूली बढ़ाने के लिए राजस्व विभाग को निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रविवार को दशहरा मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया। इसके बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों में पथ संचलन भी किया। बड़वन में श्रीनाथ स्कूल के पास कुएं में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक निगम अमले ने शव को कुएं से बाहर निकाला। ये शव चंदनगांव निवासी रोशन धुर्वे का बताया जा रहा है। कुंडीपुरा थाने के धर्म टेकड़ी चौकी अंतर्गत एक सूने मकान पर अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर 1.25 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया, जिसके बाद घटना की रिपोर्ट धर्म टेकड़ी चौकी पर कराई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि नई आबादी नरसिंहपुर क्षेत्र निवासी निखिल व्यास ने शिकायत दर्ज कराई कि वह परिवार सहित जबलपुर गए थे। अज्ञात बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर लैपटॉप, एलईडी, नकदी समेत करीब 2.5 लाख रुपए की चोरी की बात कही है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।